ये देखिए शिप्रा नदी और यहाँ पे चल रहा है देसी जुगाड़। बैक टू अनदर वीडियो। और अब चलते हैं मंगलनाथ के लिए और अपनी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, साफ वाफ हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। एकदम देख सकते हैं आप, मंगलनाथ चल रहे हैं अब। ये मंगलनाथ का मंदिर, ये देखिए यहाँ पे आप अपनी पूजा करा सकते हैं। सबसे प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे आपको पंडित मिल जाएंगे और वो वहाँ पे शिप्रा नदी जिसकी उज्जैन की पहचान है कि उज्जैन शिप्रा नदी के पास में ही है बिल्कुल। और अब चलते हैं ऊपर, अपनी भी एक छोटी सी पूजा है वो कराते हैं और उसके बाद निकलते हैं दूसरे मंदिर के लिए। अपना फर्स्ट स्टॉप है चेकआउट करने के बाद, उसके बाद एक दो मंदिर हो रहा हूँ भी आपको एक्सप्लोर करते हैं। शिप्रा नदी कुछ इस प्रकार ऊपर से ये देखिए, पानी काफी ज्यादा गंदा हो रहा है, वहां पे कुछ लोग स्नान कर रहे हैं इसमें। उज्जैन की खासियत शिप्रा नदी, यहाँ पे आप पूजा अर्चना करा सकते हैं, जिसके मंगल में कोई दोष है वो यहाँ पे आके पूजा करा सकता है। ये अभी मंदिर का काम चल रहा है, यहाँ से दिखाते हैं आपको शिप्रा नदी। तो बस ये है मंगलनाथ का मंदिर, आप सभी को दिखा दिया है। पीछे बह रही है शिप्रा नदी, थोड़ी रोशनी की वजह से दिख नहीं पा रही होगी, बैक कैमरे से आप सभी को दिखा दिया। अब ज़्यादातर हम आपको बैक कैमरे दिखाएं क्योंकि इसमें जो मैं फ्रंट से शूट करता हूँ तो वह 1x काफ़ी ज़्यादा पास से दिखाता है, तो काफ़ी ज़्यादा फेस बड़ा आता है, तो इस वजह से कुछ भी व्यू नहीं दिख पाता पीछे का। तो चेकआउट कर चुके हैं हम, 8 बजे चेकआउट किया है। तो आज सारा का सारा उज्जैन आपको एक्सप्लोर करने वाले हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ खास है वो सब आपको दिखाने वाले हैं। आगे मंगलनाथ का ये मंदिर है फिलहाल, उसके बाद एक दो मंदिर और हैं, फिर लास्ट में हम जाएंगे शाम को महाकालेश्वर मंदिर, वो भी सब आपको एक्सप्लोर करने वाले हैं आज। पूजा अर्चना क्या क्या उसमें आरती होती है वो सब कुछ आप एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये पीछे भाई अपना पूजा के लिए जा रहे हैं, बस थोड़ी बहुत थोड़ी छोटी मोटी पूजा पाठ है वो ख़त्म करने के बाद आप सभी से मिलते हैं। भाई अपने कुर्ते पजामे में फुल सेट, किस लिए पूजा करानी है, ग्रहों में कमी आ रही है। ये देखिए शिवलिंग शिप्रा नदी के बिल्कुल साइड में, पंडित जी टीका लगाते हुए। चलो बाबा जी यहाँ पे ये चंदन घिस रहे हैं, पहले भगवान को टीका लगेगा उसके बाद सबको लगेगा। और ये अपने भाई थोड़ी जानकारी देंगे मंदिर के बारे में, एक बार पहले पूजा करा लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे चल रही है पूजा सबकी, अपने अपने नक्षत्रों की जिस प्रकार से तैयारी चल रही है। ये अपने पंडित जी के बारे में आगे आपको डिटेल बताते हैं कुछ। ये देखिए सब लोग, बहुत सारे अलग अलग नक्षत्रों की पूजा होती है यहाँ पे। पूजा की तैयारी के लिए चलते हुए देखते हैं, 2 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। वेरी पंडित जी ये अपना यहाँ पे पूजा करने वाले हैं, फुल तैयारी हो चुकी है और 2 घंटे पूजा करते हैं, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लोर करते हैं। और 2-3 मंदिर हैं उनको भी, और रात में बहुत कुछ है दिखाने के लिए।
तो अपनी पूजा समाप्त हो चुकी है और टाइम हो चुका है 10:48 और अब चल रहे हैं हवन के लिए। बहुत काफ़ी ज़्यादा देर यहाँ पे बैठना पड़ा और भाई भी थक चुके हैं, बैठे बैठे थक गए थे वहाँ पे। 9 बजे हम यहाँ पे बैठे थे और अब टाइम हो रहा है 10:48 और अब चलते हैं हवन, फिर उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं नोदर मंदिर, कोई और मंदिर जाएंगे उसके बाद। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे एक बार, सब लोग पूजा करा रहे हैं। चलते हैं नीचे, टाइम हो चुका है 11:19 और ये देखिए सीढ़ी, और ये अपने ब्रो विसर्जन करने के लिए आए हैं। लास्ट स्टेज चल रही थी पूजा की, अब ये विसर्जन करने के बाद जाएंगे बाहर। ये देखो ये शिप्रा नदी, स्नान भी कर सकते हैं आप इसमें। ये देखिए हो चुका पूरा अपना कार्यक्रम, इसके बाद 3 घंटे की पूजा चली है, 3 घंटे लगातार पूजा करने के बाद सारे पाप धो चुके हैं, पाप क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पे, यहाँ पे मंदिर ही है बस, इसको दिखाते हैं। ये देखिए शिप्रा नदी और यहाँ पे चल रहा है देसी जुगाड़, ये इंडिया है इंडिया, यहाँ पे कुछ भी चल सकता है। के मंदिर के साइड में ही यहाँ पे स्टॉल और ये चाय, चाय के साथ यहाँ आ चुके हैं समोसे, समोसे टेस्ट करके बताने वाले हैं ब्रो। और अब अपनी गाड़ी बैक हो रही है और अब चलते हैं जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने शिक्षा ग्रहण की थी सुदामा के साथ और बलराम के साथ, तो चलते हैं वहाँ पे और आपको एक्सप्लोर करते हैं वो मंदिर फटाफट। देखिए संदीपनी आश्रम, ये आश्रम का मेन गेट ना सेकंड स्टॉप, और ये यहाँ से एंट्री गेट, ये देख रही है यहाँ पे, ये है नदी का मैप, शिप्रा नदी, मंगलनाथ जहाँ पे इससे पहले हम गए थे, कुछ बोर्ड हैंड वॉश करने के बाद चलते हैं आगे। और अब चल रहे हैं अंदर आश्रम में, ये देखे फर्स्ट मंदिर, फोन अलाउड नहीं है शायद, गुरुकुल मुख्य दर्शन गुरुकुल, किचन पाठशाला। तो ये है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने शिक्षा ग्रहण की थी और यहाँ पे वो शिवलिंग है, यहाँ पे भी फोटो खींचना मना है, ये आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पे वो प्रार्थना करने के बाद ही यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। और वो है सामने जहाँ पे उनके गुरुजी समाधि में रहते थे, क्या कहते हैं उसको, साधना में, साधना में लीन रहते, यहाँ पे साधना में लीन रहते थे संदीप, संदीपनी तपस्थल।
यह संदीपनी तपस्या स्थल, यहाँ पे संदीपनी गुरुजी साधना में लीन रहते थे। यहाँ पे भी फोन से वीडियो बनाना शायद अलाउड नहीं है, तो बाहर से देख लीजिए मंदिर। नंदी दिखा दे, नंदी के कानों को छिड़का होगा तुम्हारी प्रार्थना लेके चले जाता है। ये अंदर है मंदिर और ये साइड में है कुंड। यहाँ पे श्री कृष्ण जी स्नान किया करते थे। पहले इसका स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा था, अब थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। देखिए सीढ़ियाँ भी लगाई हुई हैं। अभी तो फिलहाल इसके अंदर है मछलियाँ, ये देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। फोन अंदर मंदिर में अलाउड नहीं है, बस बाहर से वीडियो ग्राफिक कर सकते हैं आप। कुछ फोटोज के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं सारी की सारी जानकारी। ये देख सकते हैं गीता, आगे है विद्या, नृत्य थर्ड, ऐसी यहाँ पे सारे के सारे में लगाई हुई हैं फोटोज। इसके थ्रू आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। ये कुछ आश्रम का डिजाइन इस प्रकार है। कुंड, ये देखते चलिए आप, ये सारा का सारा यहाँ पे डिजाइन आपको मिल सकते हैं। सभी प्रकार के चित्र लगाए गए हैं, आप इनसे समझ सकते हैं क्या क्या उनका जीवन रहा होगा। ये देखिए काफी लंबा है, तो 64-8 डिजाइन में आप देख सकते हैं सारे के सारे पेंटिंगों में यहाँ पे छपी हुई हैं। नाम भी पढ़ सकते हैं आप आके, यहाँ पे सब कुछ एंजॉयमेंट करिए। आपने हमारी पुरानी वीडियो में देखा होगा, हम नॉन स्टॉप चला के लाए थे 10 घंटे में 800 किलोमीटर, 2 घंटे का ब्रेक लिया था, 6 बजे सुबह चले थे और यहाँ पे लगा दी 7:30 बजे। बीच में एक दो जगह का स्टॉप लिया था और ये देखे साइड में चल रहे हैं हमारे चित्र। बैक कैमरे से आपने सब कुछ देख लिया होगा। इसके बाद का क्या रूटीन रहता है वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो बस चलते हैं।